आई होप यू ऑल आर फाइन. सो वेलकम बैक टू ऑल माई डियर स्टूडेंट. सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर, टूडेज विनर. सो आई आस्क द क्वेश्चन ऑफ द गिव द लिमिटेशंस ऑफ मैप एंड ग्लोब. ठीक है, तो आपने लिमिटेशंस बतानी थी ग्लोब एंड मैप की, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर. सो फर्स्टली आई जस्ट वॉन्ट टू अनाउंस द विनर्स नेम. सो फर्स्ट विनर इज चाहत, पारवी जैन, ब्रह्मजोत एंड हरशीन कौर. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस माई डियर स्टूडेंट फॉर योर राइट आंसर. हरशीन का आंसर बहुत अच्छा था, ब्रह्मजोत ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर दिया, चाहत का आंसर बहुत प्यारा था और पारवी जैन ने भी दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया. तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. एंड इफ़ यू वॉन्ट कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम हो, देन यू जस्ट लिसन वेरी केयरफुली एंड लिसन द आंसर, देन रिप्लाई योर लिसन द क्वेश्चन सॉरी एंड रिप्लाई योर आंसर. ठीक है जी, अगर आपका आंसर सही होगा देन डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आप होंगे विनर. ठीक है जी, सो कॉन्ग्रेचुलेशन माई ब्रिलियंट स्टूडेंट राघव, पारवी जैन, हरशीन कौर, ब्रह्मजोत सिंह एंड चाहत. सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. तो वी हैव डन टू टॉपिक, मैप क्या है, ग्लोब क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, है ना. तो वो हम लोग कर चुके हैं डिस्कस, एंड टुडे वी विल स्टार्ट मेकिंग हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग. ठीक है, अच्छा एक बात बताऊँ आपको, जो मैप है ना वो हम यूज़ करते हैं, जितनी क्लासेस में पढ़ते हैं ऑलमोस्ट SST की हर क्लास में हम लोग मैप यूज़ करते हैं, बट बहुत कम चांस होते हैं कि कोई हमें मैप की हिस्ट्री बताए कि हाँ जी मैप ऐसे बना, पहले उसने बनाया, फिर इसने बनाया, कैसे कैसे एडिशन हुई, है ना. तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि हमें मैप की हिस्ट्री जानने को मिले. तो यू आर लक्की पीपल कि हम लोग आज मैप की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, कि क्या पहले क्या होता था जब मैप नहीं होते थे, लोगों ने कैसे मैप बनाने शुरू किए, है ना. तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. लेट्स स्टार्ट. ओके जी, सो द अर्लीस्ट मैप वॉज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया इराक. इट वॉज मेड ऑन अ क्ले टैबलेट्स एंड बट द मैप ऑफ दैट पीरियड वार नॉट वेरी क्लियर, दे ओनली शो द बाउंड्री ऑफ द लैंड. ठीक है जी, जो सबसे पहले अर्लीस्ट जो मैप है जो बना है वो 2300 BC में मेसोपोटामिया जो इराक में है वहाँ पर बना. ठीक है जी, और फिर क्या हुआ, जो वो मैप था वो क्ले से बना हुआ था, क्ले टैबलेट्स जो होती हैं उनसे बना हुआ था, क्ले तो सबको पता है ना. और क्या है, जो वो मैप है वो ज़्यादा क्लियर नहीं था. ठीक है, कितनी जो नदियां हैं वहाँ पे, कितने माउंटेन है, कितने टेम्पल है, ऐसा कुछ नहीं बता रहा था. वो मैप सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज़ को रिप्रेजेंट करता था. बाउंड्री आपको पता ही है, जैसे आपको मेरी स्नैप दिख रही है ना, तो मेरी वीडियो दिख रही है जो, और उसके आसपास भी एक ब्लू कलर की बाउंड्री है ना, तो ये होती है बाउंड्री. तो मैप की सिर्फ बाउंड्री उनको पता थी. अब उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट. कहते डिफरेंट टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग्स वर अडॉप्टेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. पूरे संसार में अलग अलग तकनीक अपनाई जा रही थी मैप के लिए, मतलब मैप था नहीं लेकिन उसका अल्टरनेटिव लोग यूज़ कर रहे थे कुछ ना कुछ, है ना. द जो है उसके बाद में अगर हम बात करें, इस्किमोस मेड मैप ऑफ स्विंग एनिमल स्किन ऑफ अ डिफरेंट कलर. द एग्जिप्टियन engraved the boundaries and feature of metal plates. ठीक है, तो जो इस्किमोज होते हैं वो लोग एनिमल स्किन, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की स्किन को यूज़ करके मैप बना रहे थे. ठीक है जी, और ऐसे जो इजिप्ट में जो लोग रहते हैं वो मेटल प्लेट्स से जो है बाउंड्रीज बनाते थे, और मेटल प्लेट से मतलब जो है मैप वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे. ठीक है, अब बात करते हैं आगे. द एशियंट मैप वॉज बेस्ड ऑन मेमरी एंड इंफॉर्मेशन. अब कोई पक्का पता तो था नहीं कि ये कंट्री यहाँ पे है, ये स्टेट यहाँ पे है, वो लोग सिर्फ अपनी मेमरी और इंफॉर्मेशन के थ्रू, जिसको जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से वो लोग मैप वगैरह ड्रॉ कर लेते थे. दे वर नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, थस दे कैन कॉल्ड मेयर स्केचेस. ठीक है, तो वहाँ पे कोई उस टाइम पे कोई ज़्यादा स्केल वगैरह नहीं यूज़ होता था, वो स्केचेस वगैरह जो है वो करते थे ना, उसको यूज़ करते थे. ठीक है, अब आती है बात
पैटोलेमी, जो पैटोलेमी है वो इजिप्ट का एक पर्सन है, फर्स्ट कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन है? जो मैप बनाता है ना, तो उसने मैप बनाया था अकॉर्डिंग टू द मतलब जो जो हमें इंफॉर्मेशन है, तो उसके हिसाब से जो ये पर्सन है उन्होंने सबसे पहले मैप बनाया था विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड डायरेक्शन, ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट अर्थ ऑन अ स्फीयर, उसने अर्थ को रिप्रेजेंट किया। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है। देखो, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन हमने पढ़ा है फिफ्थ क्लास में, फादर ऑफ नेशन हमने पढ़ा है, तो अब आप पढ़ोगे फादर ऑफ मैप मेकिंग। तो कौन है? पैटोलेमी। जो पैटोलेमी है इजिप्ट का पर्सन था, वो था जिसने फर्स्ट मैप को डायरेक्शन से, स्केल से, मतलब बड़े अच्छे वे से उसने बनाया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मैप बनाने के लिए, मैप पढ़ने के लिए, जब मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है जी। लेट अस स्टडी द लैंग्वेज और द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप विच हेल्प अस टू रीड और इंटरप्रेट अ मैप। द मेन कंपोनेंट्स आर स्केल, डायरेक्शन, सिंबल एंड कलर, ठीक है जी। तो फोर मेन कंपोनेंट है। सबसे पहले है स्केल, फिर है डायरेक्शन, फिर है सिंबल और उसके बाद है कलर स्कीम, ठीक है। अब देखो, आपको ये पिक्चर में शो हो रहा है, ये स्केल है, ये देखो, दिस इज स्केल, ठीक है। ये स्केल है जो मेजरमेंट के काम आता है, और कैसे हम लोग मैप में इसको यूज़ करते हैं वो देखो। कहते जो स्केल है ना, यू नो द मैप, दैट द मैप शो अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर। इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा इंडिया है, इतना बड़ा पाकिस्तान है, और सारा हमने एक छोटे से पेपर पे शो करना है, तो हम उतना बड़ा थोड़ी ना दिखा सकते हैं, तो हम उसको उसी के हिसाब से छोटा दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे? ईच मैप इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। हम स्केल की हेल्प से उसको छोटा करके दिखाते हैं। कैसे? द मैप स्केल इज़ द रेशियो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन अ मैप विद कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस ऑफ द 5 किलोमीटर ग्राउंड रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। द स्केल रिटन ऑन द मैप शेल वी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। देखो पुत्र, जब हम इतना बड़ा मैप, इतना बड़ा इंडिया है, तो इतना बड़ा मैप तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं ना, हमें मैप तो छोटे से पेज पर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि जहाँ पे हमें 5 किलोमीटर का डिस्टेंस शो करना है, तो हम 1 सेंटीमीटर वहाँ पे छोटा सा शो कर देंगे, हमें पता चल जाएगा ये प्लेस यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ऐसे जब भी आप मैप पढ़ते हो, तो वहाँ पे हर एक मैप पे जो स्केल है उसकी मेजरमेंट दी होती है, तो आपको स्केल को पढ़ के पता लग जाता है कि इस मैप में इतने सेंटीमीटर इतने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, मोस्टली स्केल इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर स्केल ऑफ RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 1:500 मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 5 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है जी। ये आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। नेक्स्ट आ जाइए आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन सबको पता है, 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। बट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप आल्सो। डायरेक्शन इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट, ठीक है, विच इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द मैप, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन इंडिकेट द लोकेशन एंड द पोजिशन ऑफ द प्लेस इन द रिलेशन टू ईच अदर। अब देखो, आपको पता है पंजाब नॉर्थ वेस्ट में है, तो पंजाब को नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ या साउथ में नहीं बना सकते आप, है ना। तो इसलिए आपको डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन से ही आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी प्लेस कहाँ पे है, और वो मैप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट आर द जो है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास। अब कंपास सबको पता है क्या होता है। कंपास की इन्वेंशन किन्होंने की है? चाइनीज ने। द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास। कंपास सबको पता है, छोटा सा होता है, ठीक है, आगे दिखाती हूँ, वैसे आपको सबको पता होता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू परचेज कंपास, तो मैं आपको वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगी, तो आप उसके थ्रू कंपास है वो बाय कर सकते हो, बहुत चीप प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है, स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। तो दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। डन।
ओके जी. अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, तो ये डायरेक्शंस हैं. ठीक है, जब भी देखो याद रखना, जब भी कोई डायरेक्शन आपने बोलनी है ना, जैसे ईस्ट वेस्ट बोलनी है, अगर वो थोड़ा सा ऊपर को है तो आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. कभी ये नहीं कहना ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ, ऐसे नहीं होता. हमेशा नॉर्थ और साउथ ही आगे आते हैं, ये इस बात का ध्यान रखना, ऑलवेज कीप इन योर माइंड. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही होता है. ठीक है जी. ओके, इफ वी आर इन फील्ड ऑफ और ट्रेवलिंग अक्रॉस एन ओशन, वी यूज कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन. अभी आप ओशन में जा रहे हो, हमें नहीं पता हम कौन सी डायरेक्शन में चले गए, तो तब हमारे लिए कंपास बहुत हेल्पफुल करता है. आप किसी एरिया में जाके गुम गए हो, आपको पता नहीं चल रहा मुझे कहाँ पे जाना है, तो कंपास आपकी हेल्प करता है. कंपास आपको बताता है आप किस डायरेक्शन में हो. ठीक है, अ कंपास हैज अ मैग्नेटिक नीडल्स विद अ रोटेट फ्रीली ऑन अ pivot by placing the compass on a plane surface. The needles come to rest if then points towards the north and the south direction. The darker or color side of the needle at rest always point towards the north. Keep the compass all away the from metallic object. It can cause अ फॉल्स रीडिंग इफ की कैप्ट टू क्लोज टू देम. ठीक है जी, जो ये कंपास है बेटा, ये देखो दिस इज कंपास है ना, जो ये कंपास है इसमें आपको मैग्नेटिक जो होती हैं नीडल्स होती हैं, जो सुइयाँ होती हैं इसकी छोटी छोटी है ना, तो वो क्या करती हैं, आप इसको लेके ऐसे ना ऐसे पकड़ना होता है, इसको ऐसे पकड़ोगे तो आपको ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये देखो जो सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ज़ीरो जो है, ये आपको फाइंड कर देता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो. ठीक है, तो हमेशा आपको सही जो नॉलेज है ये वाला कंपास देता है, और कंपास से आप नॉर्थ फाइंड कर लेते हो. जब आप नॉर्थ फाइंड कर लेते हो तो ईजिली आपको बाकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो, है ना. तो ये देखो यहाँ पर बड़ा सारा मतलब डिग्रीज में सब कुछ दिया हुआ है, तो जो आर्मी में लोग रहते हैं तो उनके लिए तो कंपास बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी आजकल तो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है अपनी डायरेक्शंस, अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसके लिए उसको जानना. ठीक है, तो आई होप सबको कंपास रीड करना आता होगा, और अगर नहीं आता तो कंपास खरीद के आप रीड करना ज़रूर सीखोगे, बिकॉज दिस इज़ आल्सो अ स्किल, और आपको ये स्किल पता होना चाहिए. ठीक है जी, तो इसको कोशिश करनी है कि मैग्नेटिक कोई भी चीज़ है उसको जो भी मतलब है, तो उसको थोड़ा सा इससे दूर रखना, ताकि इसकी जो नीडल्स हैं वो सही डायरेक्शंस में ही जो है मूव कर सके. ठीक है, नेक्स्ट आता है जी सिंबल. सिंबल क्या होते हैं, सबको पता है, टेम्पल है, फॉरेस्ट है, रिवर है, हिल्स हैं, रेलवेज है, तो सबके सिंबल्स होते हैं, तो वो सिंबल्स भी हमें मैप पे हो दिए होते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है. ठीक है, फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स, रेलवे लाइंस एंड रोड्स आर शोन बाय सम कॉमन सिंबल ऑन अ मैप. ये सारे मैप पे शो किए जाते हैं. विद द हेल्प ऑफ कॉमन सिंबल वी कैन रीड अ मैप मेड इन एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. हम दूसरी कंट्री की लैंग्वेज नहीं जानते, बट वहाँ पे जो सिंबल है वो कॉमन होते हैं सारी कंट्रीज में, तो उससे हमें पता चल जाता है यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे हिल्स हैं, क्या है, तो हमें सब कुछ पता चल जाता है. ठीक है, दीज सिंबल्स आर नॉन एज कन्वेंशनल सिंबल, इनको हम कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं. द सिंबल मेक द मैप रीडिंग ईजी एंड क्विक, इससे मैप रीडिंग बहुत ईजी एंड क्विक हो जाती है. ये देखो दीज आर सिंबल्स. ठीक है जी, तो सिंबल्स में आप देख सकते हो रिवर है, टैंक है, डैम है, ठीक है, स्प्रिंग है, तो ये सारे जो है सिंबल्स, टेंपल की, मॉस्को, चर्च, विलेज, ठीक है, रेलवे लाइन, ब्रिज, बॉर्डर, ये सब की आप अच्छे से जो है सिंबल्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो. दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल. ठीक है, नेक्स्ट है जी कलर स्कीम. लाइक कॉमन सिंबल अ कॉमन कलर, ठीक है, स्कीम कलर स्कीम आल्सो अडॉप्ट फॉर शोइंग अ डिफरेंट रिलीफ. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे इसकी फीचर्स हमने फिफ्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम लोग. ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडीज़ को, लाइक ओशन को, सी को, है ना, एंड लो लैंड एंड प्लेन एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो होता है वो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है. जो हायर पार्ट होता है लाइक प्लेट्यू या हिली पार्ट होता है उसके लिए येलो कलर या ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है. ब्राउन कलर जो है वो
माउंटेन को शो करता है, ठीक है, स्नो पार्ट को शो करने के लिए वाइट कलर यूज किया जाता है. दिस स्कीम ऑफ कलर वॉज शोइंग अ रिलीफ फीचर ऑन मैप इज द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो ऐसे करके जितने ही कलर्स यूज होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में सेम कलर स्कीम यूज की जाती है. ठीक है जी, सारे कलर जिस भी कंट्री का आप मैप पढ़ोगे तो आपको सेम सेम कलर दिखाई देंगे. अगर वाटर बॉडीज शो करनी है तो ब्लू कलर होगा, माउंटेन शो करना है तो ब्राउन कलर होगा, प्लेन एरिया शो करना है तो ग्रीन कलर होगा. ठीक है, तो ऐसे ये आपको लर्न करने होंगे. तो दैट्स इट फॉर टुडे. सो नाउ इट्स अ टर्न ऑफ वन क्वेश्चन. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे आंसर दोगे, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैप. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप बताओगे आप मुझे, व्हाट आर द मेन 4-5 कंपोनेंट्स ऑफ मैप. ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ये मुझे आप बताओगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैप. दैट इज वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. स्टिल इफ यू वॉन्ट एनी थिंग, आप चाहते हो कि मैम आप इस पे भी बनाओ, ये वाले चैप्टर पे बनाओ वीडियो, हमें ये क्लियर करना है, या फिर आपको कोई चैप्टर अच्छा लग रहा है, देन यू कैन सेंड मी मैसेज. एंड आपका छोटा सा लाइक, छोटा सा शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है. एंड आई वॉन्ट कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, कोई लेक्चर मिस हो जाता है, या फिर कई बार छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल से, तो हम वो चैप्टर जो टीचर क्लास में करवा देते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है बाद में पढ़ने में. तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. तो आपके लिए ये सब कुछ आई थिंक सो हेल्पफुल होगा. तो प्लीज़ इफ़ यू वॉन्ट कि आपको डेली डेली मेरे जो लेसन है वो मिलते रहे, तो आप अपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वहाँ पे जाके एक जो होता है बेल होती है, ब्लैक कलर की बेल होती है, तो वहाँ पे जाके घंटी का बटन दबा देना, तो डेली जो भी मैं आप वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा. ठीक है बेटे, मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बच्चों को इंफॉर्मेशन मिले, जो बच्चे कोई लेक्चर मिस कर जाते हैं उनको जो है नॉलेज मिलती रहे. ठीक है, तो आई होप आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि सबको मेरी की हुई मेहनत का बेनिफिट मिल सके. ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.